अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का दिन जो है वो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, कोई ना कोई रेडी वाला, कोई ना कोई स्पीकर वाला गली में आ जाता है। तो आज जो है वो संडे है, आज का दिन जो है वो बहुत ही मज़े का जाने वाला है, क्योंकि आज मुझे 3-4 काम है तो वो करने के लिए मैं अभी रेडी हो गया हूँ। उठाऊँ आज मैं लेट ही उठाऊँ, 1 बजने वाला है, और उठ के अभी जो है वो 3-4 काम करने हैं अपने। और वो जो है सबसे पहला काम जो है वो जो मैंने आपको वाशरूम की टाइल का बताया था, वो हम लास्ट संडे जो है वो गए थे, लेकिन वो निकलवा के रख के आ गए थे, वो हमने ली नहीं थी। तो अभी पहला काम जो है वो टाइल्स लेनी है, उठानी है वहाँ से। और दूसरा काम है हमारा एसी स्टैंड है, उसके ऊपर से जो गत्ता होता है ना वो ख़राब हो चुका है, तो वो नया लेना है। ये है हमारा एसी स्टैंड, ये ख़राब हो चुका है, यहाँ से देख रहे हैं इसका गत्ता टूट गया है यहाँ से। तो ये आज मैं जाऊंगा लकड़ी वाले के पास, वो कह रहा था कि मुझे साइज़ लेके बता देना, इसके ऊपर जो है वो नया लग जाएगा। तो फाइनली हम लोग निकलने लगे हैं, मैं और अली। तो मैंने उसे बोला कि चल यार राजा, तू भी मेरे साथ चल, वो मेरे साथ होगा तो हमारा जो है ना वो काम आसान हो जाएगा, मेरे साथ मैं ब्लॉग आराम से बना पाऊँगा और वो मेरे साथ खरीदो फरोख्त कर लेगा। उसने कहा अब्बा जी ने आज पाई खाने, तो वो अब्बा जी के लिए पाई लेने के लिए जा रहा है। तो मैंने कहा चल आ जाओ, और भी 2-3 काम वो करते हैं। निकल चुका हूँ मैं, आया हूँ एटीएम पे पेमेंट निकलवाने के लिए। अब जो है ना आज लाजमी टाइल्स लेके जानी है और सामान आज लाजमी सारे इकट्ठे करते हैं, पेमेंट निकाल दिए और चलते हैं अब टाइल्स वाली शॉप पे सीधा। बीस मारे काट के पूरा पूरा किलो गोश्त लेना था हमने, वो रास्ते में से गोश्त ले लिया पहले, अब हम जा रहे हैं टाइल वाली शॉप पे जाके टाइल देखते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टाइल शोरूम्स के पास। तो ये चलते चलते हमने देखा है जो टाइल हमें चाहिए ना वो एक शॉप के अंदर लगी हुई है, जहाँ से हमने पहले पूछा था ना वहाँ पे उन्होंने बोल दिया था मंगवा के देंगे, लेकिन वहाँ पे है नहीं थी। यहाँ पे अब आए हैं, यहाँ पे उस कलर में पिंक भी लगी हुई है, ब्लू भी लगी हुई है, तो हम जो इसका यहाँ पर आके ये लेके जाते हैं आगे। ये सामने लगी हुई है, ये वाली यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर लेने जाना है तो वो आगे तारकाबाद में जाके हमारे शोरूम से कह रहे हैं लेने जानी पड़ेगी। तो आप जो हम यहाँ पे देखेंगे कि जिसके शोरूम में यहीं पे पड़ी हुई है ना, तो वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चाहिए नहीं, थोड़ी सी चाहिए हमें। यहाँ पे जिसके पास पड़ी होंगी वो वहाँ से ही पता करते हैं। टाइल्स हमने ले ली हुई हैं, बिल बनवा ली है, ये बिल है और कार्ड है, शोरूम से लेना पड़ेगा। और वो शोरूम इनका बल्कि गोदाम इनका जो है ना वो हमारे घर के करीब है, तो हमने कहा बिल बना दो, पैसे काटो और हम वहाँ से जाकर उठा लेंगे। अब हम घर जाएँगे तो वो हमारे घर के रास्ते में आता है, वहाँ से जाके टाइलें उठाएँगे और फिर घर चलेंगे। हम लोग आ चुके हैं गोदाम में, अब यहाँ पे तलाश करनी है कहाँ पड़ी हुई है, इसका कोड होता है कोई, अब कोड के हिसाब से देख रहे हैं कहाँ पड़ी है। ये मिल गई है एक, और बाकी ये डिस्प्ले लगी हुई है, ये चाहिए कुछ टाइलें में। वो अंकल को मिल नहीं थी रही, तो अब जो है वो कहीं से ढूंढ के ले आए, वो मिल गए हैं 4 टाइलें, ये वाली मज़ीद चाहिए थी, वो अंकल ले लिया। हमारी टाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, अब हम लेके घर जाएंगे ये वाली। तो टाइल्स ले ली हुई है हमने, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बाकी जो 2-3 काम बचे हुए हैं ना वो हम ये पूरा करके उसके बाद मैं फिर अकेला निकलूँगा, अगर अली के पास टाइम हुआ फिर इसको लेके जाऊँगा। अभी हमने जाना है लकड़ी वाले के पास, वो इसी स्टैंड का जो है वो तख्ता बनवा के उसका साइज़ लेके जाना है। मुझे आते हुए याद नहीं रहा उसका साइज़ लेना, तो दोबारा इसलिए घर जाना पड़ रहा है। तो साथ ये टाइलें घर रख के आ जाएंगे और फिर दोबारा निकलेंगे। मेरे काम जो है वो आधे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब मैं टाइल्स वगैरह ले आया हूँ, टाइल ला के रख दी है, वो अब लगवाना अब्बा जी का काम है, वो मिस्त्री को बुलाएंगे, वो लगवाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ इसी स्टैंड का जो है वो करवाने के लिए, वो घर में पता चला है कि हमारे पास ऐसे की शीटें घर में पड़ी हुई है, तो अब मैं जा रहा हूँ उसके पास, वो मेरे जानने वाला है उसके, आपको भी तो उसको मैं साथ लेके आने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे साथ आ जाए, तो वो घर में ही काट के ना यहीं पे लगा के दे दे। इसी स्टैंड को उठा के वहाँ पे लेके जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि मैं खुद लगाता हूँ, तो अब्बा जी कहते हैं कि यार तेरे से लगेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा
अजीब सा होता है, मतलब इसको ऊपर से कील लगाने है तो नीचे से अलग से निकल जाता है, तख्ता ऊपर लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं उसको जाता हूँ बाइक पे बिठा के लेके आता हूँ। तो आज के ब्लॉग का ये एंड करते हैं, बाकी जो है दूसरा ब्लॉग जो है पार्ट टू इसका दोबारा बनाता हूँ मैं, तो ये ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दो।